श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी कर्मठ महिला कृषक से मिलवा रहे हैं जिन्हें हाल ही में कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है, जो हमारे लिए आपके लिए प्रेरणा भी हैं। और किस तरह वो इस पुरस्कार तक पहुंची, वो उनके राह की कौन सी कठिनाइयां थीं जिन्हें पार करके वो यहां तक आईं, या किस तरह उन्होंने अपनी खेती के काम को अंजाम दिया कि वो पुरस्कार तक पहुंच सकें, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है श्रीमती शिवलता महतो को। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और हाल ही में इन्हें जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है वो इनकी खेत में चने की अच्छी पैदावार के लिए मिला है। तो शिवलता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इस साल आपको ये पुरस्कार मिला और माननीय प्रधानमंत्री ने ये पुरस्कार आपको दिया, तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई। ये पुरस्कार मेरे को ही नहीं, हमारे पूरे होशंगाबाद जिले को मिला है और पूरे मध्य प्रदेश का नाम हुआ है, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। बिल्कुल सही बात है कि पुरस्कार किसी एक को मिलता है और वो सबके नाम सबके नाम है मैडम, वो तो सबको मिला है, मेरे को नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये मिला तो आपकी और आपके परिवार की मेहनत को है, और जब मेहनत को पुरस्कार मिलता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा हो जाता है। जी मैडम। आपको उस पुरस्कार तक पहुंचने के सफर में दो तरह की चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो उस मेहनत की जिसने आपकी खेत में बहुत अच्छी फसल पैदा की। जी मैडम। और दूसरा ये कि किस तरह से इस पुरस्कार के लिए नामांकन दिया जाता है या क्या कुछ किया जाता है, हम ये दोनों चीजें जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको जब पुरस्कार मिला तो आपने अपनी खेती को क्या इस तरह से सोचकर किया था कि हमें पुरस्कार तक पहुंचना है? नहीं मैडम, हमने ये नहीं सोच के किया था कि हमको पुरस्कार मिल जाएगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? राजस्व विभाग वाले आए थे और कृषि विभाग वाले साहब आए थे, उन्होंने ही किया सब देख के। तो इसमें क्या चीजें देखी जाती हैं? फसल अच्छी है, छोटी रहती तब भी आते हैं वो, बड़ी हो जाती तब भी देखने आते हैं, कटती है तब भी आते हैं। तो कटने के बाद कितना निकला, फसल कितनी हुई है, देखने के लिए आते हैं, ले जाते हैं करके। अच्छा, तो ये जो अधिक पैदावार होती है तो किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में कितनी फसल हुई उस पर निर्भर करता है? जी मैडम, एक एकड़ से ज्यादा होनी चाहिए, उनका रकबा करके बना लेते हैं उनके हिसाब से वो। तो आपने कितने क्षेत्र में बोई थी? हमारा खेत 2.5 एकड़ है पर 10x10 का नाप के ले गए वो लोग। और फिर उसका क्या क्या करते हैं नाप के? उन्होंने 10x10 का निकाल के काट लिया और उससे फिर उनने कितना बीज निकला वो निश्चित किया। अच्छा, और उस पर फिर ये तय हुआ कि ये अच्छी फसल हुई। जी जी। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई, तो अच्छी फसल उगाने के लिए आपने क्या क्या किया अपने खेत में? पहले खेत को ट्रैक्टर से बखर लेते हैं, अच्छी तरह बखरा, गोबर की खाद डाली उसमें हमने, फिर बीज को थोड़ा हाथ से लगाया। और बीज लगाने के बाद जब पौधे उगने लगे तो देखभाल कैसे की? थोड़े बड़े हुए खाद डाली, जब कीड़े लगे तो उसमें नीम का तेल छिड़काव किया। चने की खेती में या चने में इल्लियां बहुत लग जाती हैं और बहुत जल्दी लग जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या कुछ किया या वो लग नहीं पाई और आपकी देखभाल से बची रही? उसमें जब देख लेते हैं मैडम कि इल्ली लगने वाली हैं तो उसमें नीम के तेल का छिड़काव कर देते हैं, तो नहीं बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती हैं। तो नीम का तेल का छिड़काव जो आपने किया तो उसको बाजार से लाना पड़ा या खुद तैयार किया था? ब्लॉक से मिलती है, वो ही डाला हमने। ये पुरस्कार पाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आगे भी आपको अपनी खेती में कुछ इस तरह के उपाय करने चाहिए जिससे फसल अच्छी हो? जी मैडम। तो आगे का क्या आपका सोच है, क्या प्लान है? आगे भी और अच्छा करने के सोचेंगे मैडम। तो अभी क्या लगाना चाहेंगे उस वक्त उसमें? अभी तो जैसे हमने गेहूँ लगाया है, 2-4 साल बाद चने भी फिर से लगा सकते हैं। तो आप शुरू से चने की खेती कर रही थी या खेत में पहले भी कुछ और उगाते थे? नहीं, पहले भी गेहूं उगाते थे इस टाइम पे। अब हम पुरस्कार की बात यदि करें तो जिस वक्त आपको ये खबर मिली कि आपको कृषि कर्मण पुरस्कार मिलना है, तो आपके घर के लोगों की, आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने क्या कहा आपको? सब बहुत खुश हुए मैडम। तो उस खुशी को उन्होंने कैसे जाहिर किया? जैसे हम वहाँ से आए थे पुरस्कार लेके, तो उन्होंने बाजे कर लिए, हमको ट्रेन पे वहीं लेने के लिए भी आ गए। अच्छा, गांव के बहुत सारे लोग भी आए थे। ये बताइए कि आप अभी ही खेती करना शुरू किया है आपने
या पहले से करती थी? ये शौक था या जरूरत थी? नहीं मैडम, हम बहुत दिन से कर रहे हैं, जरूरत भी थी क्योंकि अब हम उतने बड़े किसान नहीं हैं। बहुत पहले से कर रही हैं, मतलब अपने पिता के घर में भी ये काम करती थी? जी मैडम, पहले भी हमने किया है, देखा है सब, छोटे से बचपन से। और यहाँ आए तब भी यहाँ से खेती हो रही है। तो शुरू से आप अपने पति का हाथ बटाती रही और घर की खेती में काम करती रही या अभी कुछ समय से कर रही हैं? नहीं मैडम, हमको बहुत दिन हो गया करते करते। किस तरह की कठिनाइयां आती हैं एक महिला की दृष्टि से यदि देखें तो? आती तो है मैडम, थोड़ी पर करना पड़ता है फिर भी। हाँ, किस तरह की परेशानी? घर के काम करो, फिर खेत में जाओ। एक टाइम पे हमारे पास थोड़े पैसे भी कम थे, तंगी थी, तो हमने खेत 4 बजे रात से उठ के चले जाते, बच्चों को भी ले जाते, दोनों बच्चे और हम, ये सब जाके हमने खेत में मतलब उस फसल को काटा, उखाड़ा, उखाड़ के गट्ठे बना बना के बेचे भी। जब आप दिन भर खेत में काम करती थीं और घर पहुंच के बहुत थक जाती होंगी, जी मैडम, तो क्या जिस तरह खेती में आपने अपने पति का हाथ बटाया, जी मैडम, क्या आपके पति ने घर के कामों में आपका हाथ बटाया? हाँ मैडम, बटाते हैं, वो भी बराबर बटाते हैं। जी मैडम, मेरी भी इसमें खुशी है मैडम कि मेरा परिवार अच्छा रहे। अच्छा रहे। हाँ, और अब जब आपको ये इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया है, बहुत सारे लोग आपसे कई सारी बातें पूछते होंगे, जैसे हाँ, हम भी आपसे कई बातें जानना चाह रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह अपनी खेती की जाए कि हमेशा आपकी फसल अच्छी हो? मैडम हम भी सोचते हैं कि थोड़े मतलब जैसे कर रहे हैं इससे और थोड़ा अच्छा करते रहे, फसल भी थोड़ी अच्छी हो और सबको प्रेरणा मिले, तो थोड़ा सबको ही अपना अच्छा करे, अच्छा कर सके। और जो आपके गाँव में जो लोग खेती करते हैं जी मैडम, और बहुत सारे घर ऐसे भी होंगे जहाँ महिलाएं उतना हाथ नहीं बटाती या बाहर निकल के काम नहीं करती, तो आप उन सब के लिए या अपनी सभी बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबको अपने थोड़ा थोड़ा काम में हाथ बटा कर आगे बढ़ना चाहिए। और जिस वक्त आपको पुरस्कार मिला तो वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे? जी मैडम, बहुत है ना, और काफी लोगों को पुरस्कार मिला होगा, तो ये पहला मौका होगा जब आपका लोगों से इस तरह मिलना जुलना हुआ होगा। जी मैडम, तो वहाँ का कोई अनुभव या कोई बात आप हमें बताना चाहेंगे? जी मैडम, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा मैडम, वहाँ पे भी हम गए थे तो मैडम ने पहले हमको बताया था, प्रैक्टिस कराई थी, एक दिन पहले हम वहाँ पहुँच गए थे, फिर दूसरे दिन जब मोदी जी आए थे तब हम वहाँ पे गए थे। और प्रधानमंत्री के हाथ से पुरस्कार लेते वक्त कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से खुश होकर दिया। इस तरह के पुरस्कार आपके जीवन में और भी मिलते रहें, आप और भी अच्छे से काम करती रहें, ये शुभकामनाएं हम भी देना चाहेंगे। लेकिन अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रही हैं, ये चलते चलते जानना चाहेंगे हम। मैडम जैसे आप सोच रहे हैं कि अब जैविक खेती पे आ जाएं धीरे धीरे करके, अब डीएपी यूरिया भी नहीं डाल रहे हैं, और एक जो मेन मुद्दा है वो ये है कि खेत में जो पराली है उसको हम खेत में ही मिला दे रहे हैं। अच्छा, क्या करती हैं उसके लिए? मतलब उसको काट के बखर के मिला देते हैं खेत में ही, मिला देते हैं। तो वो खाद का काम, खाद का काम करती है। तो हमारी हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ, धन्यवाद। नमस्ते।